चाचा चौधरी और बजट का टैक्स। इधर साबू का धकेला हुआ ड्रम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आता है और गोबर उसे देखकर चौंक जाता है। हाय! गोबर सिंह आगे आगे और ड्रम पीछे पीछे। बचाओ! ड्रम गोबर सिंह को ठोकता हुआ फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुंच गया। तो लंबू, यह तुम थे जिसकी वजह से वह भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। धमाका सिंह, चले आ रहे हैं हजामत करा के। धमाका सिंह, ये वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा खत्म कर दो। मगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर, तो गोबर ही रहा, ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धाराशायी कर देती है। लो, फॉरन स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन, यह एक बार में 120 गोली फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेंगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता, चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। गोबर सिंह स्टेन गन लेकर चल देता है। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूँ, फिर उसके साथी चूहे को मारना मुश्किल नहीं। इधर चाचा चौधरी, मिंटू, यह पटाखा लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूँ ताकि इसे चलाया जाए। यह रही माचिस। एक बात और, यह पटाखा कुछ ज्यादा धमाकेदार है, यहाँ चलाएंगे तो खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। इधर साबू, साबू तुम्हारे लिए स्पेशल छपवा कर किस्से कहानियों की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने यह तकलीफ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। साबू किताब को खोलता है। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों की मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपना खाली समय काट सकते हो। इधर गोबर सिंह, मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए ये जगह उपयुक्त है। चाचा चौधरी पटाखा जलाकर झाड़ियों के पीछे उछाल देते हैं, जहां गोबर सिंह खड़ा होता है और पटाखा एक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ता है। देखो तुम्हारे धमाके से क्या नजारा बंदा है। हाय!